बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab और इसका पार्ट 1 है। हमें वैल्यू दी है a प्लस b की 9 और a माइनस b की वैल्यू है -5। सॉल्व करते हैं इसे। a प्लस b हमारे पास है 9 और a माइनस b है -5 और हमें वैल्यू मालूम करनी है ए 4ab की। ये हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला है फोर ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। मैं फार्मूला अलग से भी लिख रही हूँ, ये आपकी बुक में फार्मूला जो दिया हुआ है उसके अंदर 4ab इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर है, लेकिन हमें मालूम करना है इसलिए मैंने इस साइड पर रखा है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू है 9 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का और -5 ए माइनस बी की वैल्यू है इसका स्क्वायर। अब ये हमारे पास हो जाएगा 9 9 81 माइनस, ये वाला माइनस हमने लिखा है और ये माइनस क्योंकि स्क्वायर हो रहा है इवन नंबर है तो हमारे पास प्लस की साइन आएगी 25 के साथ और प्लस माइनस फिर मिलके ये वाला माइनस आ जाएगा। अब 81 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। 4ab की वैल्यू हमारे पास आ रही है 56। सेम ही फार्मूला यूज होगा, ये आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। यहाँ पर हमारे पास है a माइनस बी 8 और a प्लस बी माइनस का 7 और हमें मालूम करनी है वैल्यू 4ab की। ये हमें मालूम करना है तो हम फार्मूले को जो चीज़ हमें मालूम करनी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास -7 और 8 है ए माइनस बी की वैल्यू, इनका स्क्वायर होगा 7 7 से 49। साइन प्लस की आएगी, ये वाली साइन एज इट इज ले लेंगे और 8 8 से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। माइनस का नंबर ग्रेटर है तो माइनस की साइन इसके साथ आएगी। ये 4ab की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8ab और ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हमें वैल्यू दी हुई है a प्लस बी इज इक्वल टू -5 और a माइनस बी इज इक्वल टू 5 तो हमें मालूम करना है। इसमें हमारे पास दो फार्मूले यूज़ होंगे, पहले हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे 4ab वाला और हम 4ab की वैल्यू मालूम करेंगे। फार्मूला है हमारे पास 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ जाएगी b की वैल्यू, a प्लस b की वैल्यू है -5 होल स्क्वायर माइनस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, साइन प्लस की आएगी और 5 5 से 25 -5 5 से 25। अब एक प्लस का एक माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 0। 4ab की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0, इसे हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे
दूसरा फार्मूला है हमारे पास 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलों के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे साइन सिर्फ चेंज हो रही है, माइनस और प्लस के साइन। तो ये ख्याल रखिएगा जब आप ये वाला 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लिख रहे हैं तो उसके अंदर प्लस के साइन आ रही है यहाँ पर। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये ए प्लस बी की वैल्यू है माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पे है 5 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस और यहाँ से भी 25। अब प्लस हो रही हैं दोनों वैल्यूज़ तो हमारे पास आएगा 50। और ये किसकी वैल्यू आ रही है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। आप ये दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर रखेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास 4ab और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, मल्टीप्लाई होगी 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। और दूसरे साइड पर हम 0 यहाँ पर आ रहा है हमारे पास और यहाँ 50 है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 2 8 ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा 0 जब 50 के साथ तो हमारे पास 0 आएगा। हमें वैल्यू मालूम करनी थी ए 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जो हमारे पास आ रही है 0। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। वैल्यूज हमें दी हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 और हमें मालूम करनी है वैल्यू 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सेमी मेथड है, फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे पहले 4 ए बी वाला। 4 ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 4 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 6 इसका भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास आता है 16 माइनस 6 से 36 माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास आ जाएगा 20। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा फार्मूला है हमारे पास 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, ए प्लस बी की हमारे पास वैल्यू है 4 इसका स्क्वायर होगा प्लस ए माइनस बी की वैल्यू है 6 इसका स्क्वायर होगा 16 प्लस 36 प्लस करेंगे 6 और 6 12 1 4 और 5 52 हमारे पास आ रही है इसकी वैल्यू। ये इक्वेशन 2 है, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 52। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी 4 ए बी और ये मल्टीप्लाई होगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास 20 है, 20 मल्टीप्लाई होगा सेकंड इक्वेशन है में 52 आ रहा है इसका आंसर 52 के साथ। तो 4 2 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई जब होंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 2, 2 सब 4, 2, 5 सब 10, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की, यहाँ पर ग्रेटर नंबर है 36, तो इसकी साइन आएगी क्योंकि माइनस हुआ था, तो यहाँ माइनस का 20 होगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस की साइन आएगी। ये इसका आंसर हमें मालूम करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारे पास आ रहा है माइनस 1040।